दीपक जब नई दिल्ली स्टेशन से हमारे कार्यकर्ता के द्वारा छुड़ाया गया और वो उसको हम लेके जब पहली बार आश्रम में आए तो हम जैसे ही गाड़ी में से उतरे तो उसने किसी से कुछ भी नहीं पूछा और उतरने के बाद सीधा ये ट्यूबवेल के पास नहाने चला गया। जब मम्मी पापा के देहांत हो गए तो मैं वहां से भाग गया था और आके मैंने एक होटल पे आया जिस होटल में मैंने एक साल तक काम किया। Our next case study involves a pioneer organization in the eradication of child labor. South Asian Coalition on Child Servitude, more commonly known as SACS, also known as the Bachpan Bachao Andolan in India. Over the last 20 years, SACS has been instrumental in freeing over 55,000 child laborers. मेरे पिताजी ने जो है मतलब मेरी दीदी के शादी के लिए मतलब 5,000 लिए थे मतलब हमारे गांव के जमींदार से, तो उन्होंने उसके बदले में मतलब कहा कि भाई मतलब मुझे उनके यहाँ मतलब रख दें काम के लिए मतलब हमेशा के लिए। कुछ गैंग के आदमी मेरे को पकड़ लिए। जब छोटा था ना 4-5 साल का, वहाँ पे हम बकरी चराते थे। जबरदस्ती भीख मंगवाए मेरे से 4 साल तक बकरी चरवाते थे, स्कूल नहीं जाते थे, घर का काम भी था वो भी मैं करता था। तो बचपन में बच्चा आंदोलन के कार्यकर्ता ने भागते देखे तो मेरे को बुलाया, तो फिर उन्होंने गैंग के आदमी मेरे को बचाया, पुलिस का तो सब कार्यकर्ता और लाए यहाँ पर बाल आश्रम में और मेरे को यहाँ पर 5 साल हो चुके हैं। ये बच्चों से काम कराना गलत बात है, सजा भी मिल सकती है, तुम्हें पता है? Rescuing children from slavery, that we have been doing for last 20 years or more, last 22 years. But we realized that what after? So then we had opened this Bal Ashram in Viratnagar. यहाँ पर हमारे ये तमाम साथी काम सीखते हैं। यहाँ पे रहते हैं, अच्छी अच्छी बात सीखते हैं। यहाँ मेरे को पढ़ाई अच्छी लगती है, खेलना अच्छा लगता है। Children should feel that they are still children. So the most important challenge had us was to restore back the sense of childhood, so that they can join the mainstream of life again. मुझे आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। Another important issue was the education for children. सब में से 80 आ जाता है। इस आश्रम के अंदर में कहीं भी रहे तो शिक्षा की बात होती है, बाल मजदूरी मिटाने की बात होती है। We want education. Our dream behind creation of such ashram was to make the victims as leaders. And we are proud to say that many of the former child laborers or child slaves are now ambassadors of the message of freedom, of liberty. And they are the one who are opening the keys of slavery in many villages. They say every man must need protection. They say every man must
बच्चे भी यही काम करेंगे? क्या तुम चाहते तुम्हारे जो आगे जो तुम्हारे बच्चे के ये भी यही काम करेंगे? ये पहले बताओ। I see my light come shining from the west down to the east. नाम तो बताओ। नाम तो क्या हो रहा है? I shall be relieved. आपका नाम क्या? मेरा नाम मदन लाल। इनको अब काम में नहीं, इनको काम से हटाइए और पढ़ाइए। अगर पढ़ने में कोई कमजोरी है, पैसे की कमी है, हमारे पास भेजिए। हमारे पास एक आश्रम है जिसमें इसको इनको हर चीज की फ्री है। और पहली बात तो काम तो आपको करना चाहिए, इनको नहीं। If these children themselves become their own liberators, only then the problem would be solved. There is no other way. The whole idea is to form a child-friendly world. So we have started this concept of a child-friendly village. A village which is completely free of child labor, and all the children are enrolled in the schools. The children in the village form a children's panchayat or children's assembly. That is an elected assembly where everybody can vote and select their leaders. When we class में चले गए, उसकी जगह नया चुनाव किया जाएगा। सरपंच के लिए सुरेंद्र के लिए कितने सदस्य सहमत हैं? के लिए 32 हाथ खड़े हुए। लोकेंद्र के लिए कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़े करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लोकेंद्र कुमार शर्मा के लिए 80 लोग सहमत थे। 80 लोग हाथ खड़े किए। This village panchayat of children is recognized officially by the official adults panchayat, which is the elected village institution. आदरणीय सरपंच साहब, जो वे बच्चे जो आरितारी करते हैं उसको काम कराना बंद करो, स्कूल में पढ़ाओ। Bachpan Bachao Andolan has changed a number of little lives and continues making the difference every day. Their vision is simple: to create a child labor free society where all children receive quality education. Hopefully, someday this vision will turn into a reality.